नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिहार की बात होगी क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी में क्या लालू की वापसी से रोशनी फैलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज आरजेडी की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं। थोड़ी देर बाद लालू प्रसाद यादव वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इन 25 सालों में पार्टी लालू ने वो उतार चढ़ाव देखे हैं जो सोच से परे हैं। सीएम बने, रेल मंत्री बने, अपनी पार्टी बनाई, किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन चारा घोटाले में जेल जाने के बाद सियासत की गर्दिश भरे दिन के भी गवाह बने। बिहार में नीतीश के मुकाबले खड़े होकर आरजेडी ने ताल तो ठोकी, लेकिन लालू का फिर खड़े होने की कोशिश के क्या सियासी संकेत है? पच्चीस साल पहले के लालू की तस्वीर आप दाहिनी ओर देख रहे हैं, लेकिन आज की तस्वीर दरअसल बयां कर रही कि कैसे लालू प्रसाद यादव की दोबारा वापसी हो चुकी है। ये आज के लालू हैं और तब के लालू, दोनों तस्वीरों में देखिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने ये पार्टी 25 साल में खड़ी की। 25 साल पहले लालू जब सीएम बने थे किस मोड़ पर पार्टी थी, और उसके बाद वो रेल मंत्री के पद पर भी रहे, किंग मेकर की भूमिका भी उन्होंने निभाई और जेडीयू को तगड़ी टक्कर भी इस पार्टी ने दी। विषम परिस्थिति में हमने और हमारे साथियों ने प्यार भावना के हम लोग स्थापना दिवस पार्टी बनाया, तब से हम काम कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस जयंती जयंती पर आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुझे अफसोस है कि हम आपके बीच में नहीं है, अफसोस कर देता हूं। बहुत ही नए दिन में हमारा आपके बीच में हम आएंगे, हम आप सबको बात करेंगे। बिहार की जनता, देश की जनता को अपनी शुभकामना देता हूं। और अब रुक करेंगे हमारी खास पेशकश, बाढ़ से बिहार में मचा है हाहाकार। बिहार का एक बड़ा इलाका दरअसल इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा, बेतिया, किशनगंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सुपौल, तमाम इलाके इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। घर, सड़क, गली, मोहल्ले, खेत खलियान, हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। गंगा की तमाम सहायक नदियां उफान पर हैं। पानी पर किसी का कोई जोर नहीं चल रहा है। चंद पल पहले तक सब कुछ सलामत था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी से घिरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पास की ही बिल्डिंग की छत के ऊपर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने यहाँ सहारा ले रखा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ ऐसा मंजर नजर आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। चंद पल में हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग का एक हिस्सा भर भरा कर पानी में गिर गया। तस्वीरें देखिए किस तरह हेल्थ सेंटर के आगे और बगल की दीवार गिर जाती है और छत झूल जाती है। दरभंगा के पूर्वी कुशवेश्वरस्थान के ईंठर पंचायत के समौर गांव में इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मरम्मत कुछ ही समय पहले लाखों रुपए खर्च करके की गई थी, लेकिन बाढ़ की मार सेंटर की दीवार सह नहीं पाई और पानी में मिल गई। दुर्भाग्यवश बाढ़ के पानी के कारण वो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिर गई, इसके लिए जो निर्माण कराया वो जिम्मेवार होंगे। हम लोग को तो इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ
हम लोग को जो विभाग से मिला गया था कि उसको हेल्थ एंड वेलनेस नेटवर्क में विकसित कीजिए, तो उसके लिए हम लोग सामान डेंटिंग पर निकाल का काम शुरुआत किए थे। इसकी सूचना हम अपने बड़े पदाधिकारी को देंगे, विभागीय पदाधिकारी को देंगे। इस स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने का मतलब है तकरीबन 4000 की आबादी को अब इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से सड़कों के अलावा अन्य बिल्डिंगों को भी खतरा बना हुआ है। किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है, अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर है, पानी नदी की हदों को पार करता हुआ गांव में घुसने लगा है। कुशेश्वर स्थान में हर साल बाढ़ का तांडव ऐसे ही मचता है। ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी से साल के तकरीबन 6 महीने पूरी तरह से प्रभावित रहता है। बाढ़ के तांडव की एक और तस्वीर है। बाढ़ का पानी किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले गया। ये मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर गांव की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से सिकरना नदी उफान पर है, साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, मिट्टी का कटाव जारी है। इसी कटाव की भेंट ये मकान चढ़ गया। गनीमत ये रही कि मकान जब पानी में समाया तो वहां कोई मौजूद नहीं था। सुगौली नगर पंचायत ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। मूसलाधार बारिश से सिकरना नदी उफान पर है। सिकरना नदी का पानी सुगौल नगर पंचायत के अलावा कई गांवों में तांडव मचा रहा है। ग्रामीणों की मदद से एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद कर दिया गया। पानी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए वहां पे जमींदारी बात कैसे हिंद बांध कुछ कुछ मनरेगा से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, परंतु क्योंकि सिकराना बूढ़ी गंडक नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, जब भी प्रत्याशित बारिश होती है तो एक सर्टन लेवल के बाद जो है आप ब्रीचेस की संभावना बनती है, तो ये सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था। टापू में तब्दील इस क्षेत्र को जरा गौर से देखिए। मोतिहारी से सटे बंजरिया का इलाका है। बाढ़ में सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं, दर्जनों रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं, कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। दुधौरा के बाद तिलावे व बंगरी नदी पर बने बांध के टूटने के बाद यहां तबाही और बढ़ गई है। पानी तेज गति से नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जिससे तबाही और बढ़ रही है। बाढ़ का हाल ये है कि नदी के कटाव से परेशान सुगौली के लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ने पर मजबूर हैं। यहां पे नाव है और न ही किसी तरह से गाँव तक पहुँचने की कोई साधन है। इसमें सरकार पूरी तरह से और हमारे जो स्थानीय विधायक है लोग किसी तरह कोई मदद नहीं पहुंच रहा है। मकान गिर रहे हैं, लोग खुद अपना आशियाना गिरा कर पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन आरोप ये है कि जनप्रतिनिधि जनता से दूर हैं। यही कारण है कि जब आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह इलाके में पहुंचे तो उन्हें बाढ़ पीड़ितों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। बाढ़ का कहर बिहार के इस हिस्से के लिए सालाना आपदा है। इसे रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त रहते राहत और बचाव के पर्याप्त इंतजाम कर लिए जाएं? दरभंगा से प्रहलाद कुमार और मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दरभंगा मोतिहारी का हाल आपने देख लिया, अब बात शिवहर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले की करेंगे। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी यहां उफान पर है। तीनों जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ में हादसे भी हो रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में कल एक बाइक सवार बाढ़ की भेंट चढ़ गया। जब पानी की लहरें रौद्र रूप दिखा रही हों तो उससे टकराना किसी जोखिम से कम नहीं, ये जोखिम जानलेवा भी हो सकता है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। अथाह जलराशि के बीच दो लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बेचैनी से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पानी में कूदकर उसका बचाव कर सके। ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी के सुरसन के रसलपुर पुल के पास की है। मझौरा 12 मार्ग पर सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार दो भाई तेज रफ्तार में बह गए,
जान बचाने के लिए दोनों भाइयों ने काफी देर तक संघर्ष किया, लेकिन सिर्फ एक ही भाई की जान बच पाई। बाढ़ ने सीतामढ़ी की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। गली मोहल्लों में पानी घुसा हुआ है। गमछा बनियान में हालात का जायजा लेने के लिए जब नगर विधायक मिथिलेश कुमार पहुंचे, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जल जमाव की समस्या से निजात का तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्राकृतिक से भी रिलेटेड है जल जमाव का मामला। परंतु हमने जो स्ट्रॉन्ग वाटर का प्रोजेक्ट पास कराया है, वो दूसरे जगह पर अनुभूत किए जा चुके हैं। उस हिसाब से वाटर स्ट्रॉन्ग का 101 करोड़ का नगर वासियों के लिए ये प्रोजेक्ट हमने बनवा के भेजा है नगर विकास मंत्रालय में। मुझे उम्मीद है कि वह प्रोजेक्ट धरातल पे उतर जाए तो मोर देन 60% सोल्यूशन हो जाएगा। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से तटबंध टूटने से मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी चंपारण में रातू नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया, जिससे भिट्ठा वार्ड संख्या 5 में पूरी तरह से पानी घुस आया। उधर सीतामढ़ी सुरसन पंथ NH-104 पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। सीतामढ़ी से सटे शिवहर जिले का भी हाल बुरा है। नेपाल के तराई क्षेत्र और जिले में हो रही लगातार बारिश से बागमती नदी उफान पर है और शिवहर की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस आया है। पिपराही क्षेत्र के बेलवा में डैम निर्माण को लेकर बनाया गया रक्षात्मक तटबंध बागमती नदी के पानी के तेज बहाव के कारण 15 मीटर की दूरी तक पहले ही टूट चुका है। सुरक्षात्मक तटबंध के टूटने से पुरानी धारा और शिवहर की ओर पानी का तेज बहाव के कारण कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सब कुछ का दिक्कत है, मवेशी का दिक्कत है, खाना का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। रात में कहाँ थे आप लोग? रात में स्कूल के छत पर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में लगातार पानी बढ़ रहा है। हाल ये हुआ है कि अहियापुर थाना में बूढ़ी गंडक का पानी घुस आया। तस्वीरें देखिए, थाना परिसर पानी से लबालब है। थाने में मौजूद जब्त गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। बूढ़ी गंडक में बाढ़ से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। इससे आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। इतना पब्लिक है, सबके दिक्कत हो रहा है। कठिनाई है जो किधर निकलेंगे सब बच्चा बच्ची लेकर के। और इसका कतव है कि मतलब खाना में जब पानी ढुक दिया तब तो। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में बाढ़ तांडव मचा रही है। यहाँ मुसीबत दो तरफा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते भी यहाँ मुसीबत का पानी पहुँच रहा है। शिवहर से केशव आनंद और मुजफ्फरपुर से रितेश अनुपम के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको लिए चलते हैं वाल्मीकि नगर के ऐतिहासिक गंडक बैराज। गंगा नदी में उफान से बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। देखिए आज तक संवाददाता सुजीत झा की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में और ये गंडक नदी है। गंडक नदी की शुरुआत दरअसल यही से होती है। आप देखिए कितना तेज बहाव है। गंडक का जो बैराज है जिसमें 36 फाटक लगे हुए हैं, सारे के सारे फाटक खुले हुए हैं। अभी पिछले एक महीने से जो राइजिंग ट्रेंड चल रहा है गंडक के पानी का, अभी भी ये इसका जल स्तर बढ़ रहा है और पिछले महीने यानी कि जून के महीने में ये 4,12,000 क्यूसेक तक चला गया था। ये आप देख सकते हैं जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ सारे नेपाल में आते हैं और नेपाल में के अधिग्रहण क्षेत्र में जो बारिश होती है उसका जो जल होता है उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। हालांकि जो गंडक का बराज है ये एक तरह से इसमें जो 36 फाटक हैं इसमें से 18 नेपाल के हिस्से में है और 18 भारत के हिस्से में है और वही जो पॉइंट है वही सीमा माना जाता है। गंडक नदी में 3 नदियां मिलकर गंडक नदी बनाती है जो कि नेपाल में जिसे नारायणी कहते हैं और सोनभद्र नदी और समसा, ये 3 नदी मिलकर, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। इसका देखिए कितना बड़ा लंबा पार्ट है इसका। और जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें 8,00,000 क्यूसेक पानी के बहाव का डिजाइन किया गया है, लेकिन 4,00,000 जहां क्रॉस करता है खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले जून के महीने में 4,00,000 गया था और अभी भी ये राइजिंग ट्रेंड में है। सिंचाई विभाग लगातार नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्रों में इसके जो
उस पर नज़र रखे हुए है और जिस तरीके से इसकी पानी में बढ़ोतरी होती है सारे इलाके को अलर्ट कर दिया जाता है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, वाल्मीकि नगर, आज तक। पानी का प्रहार गोपालगंज, बेतिया, बगहा, रक्सौल तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। कहीं रेलवे स्टेशन डूब गए हैं तो कहीं मचान के सहारे लोग जिंदगी जी रहे हैं। कहीं इलाके ऐसे हैं जहां लोगों का टिके रहना अब मुश्किल हो गया है, वो घर बार छोड़कर विस्थापित होने को मजबूर है। चारों तरफ तबाही का मंजर, आशियाना डूब गया, गांव डूब गया। गंडक नदी के पानी ने गोपालगंज में तांडव मचा रखा है। हस्ती खेलती जिंदगी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। बुखार से तपते बच्चे को कंधे पर लेकर ये शख्स सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा है। इस माँ के सामने भी दुधमुहे बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाने की चुनौती है। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के मुंगेराह गांव की है। गंडक नदी में उफान आने से गोपालगंज के 42 गांव में पानी भर गया है। मुंगेराह गांव की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। बगहा प्रखंड का सलहा गांव है, एक माह के भीतर 5वीं बार बाढ़ की त्रासदी का गवाह बना है। सलहा गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। गांव के किनारे बहने वाली पहाड़ी नदी मसान ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बाढ़ की वजह से गांव से निकलने वाली सभी सड़कें कई जगहों पर टूट गई हैं। गांव टापू बन गया है। ये तस्वीर बिहार के बेतिया की है। बाढ़ ने बेतिया के इस गांव को जल कैदी बना दिया है। जमीन पर पानी ही पानी है, सूखे का कहीं नामो निशान नहीं। लिहाजा पानी से बचने के लिए लोग मचानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ये रक्सौल का हाल है। बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रक्सौल अनुमंडल के राम गदवा ब्लॉक के 16 पंचायतें आधे बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का असर सुगौली ट्रैक पर भी पड़ा है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ने से कल दोपहर 2 बजे से गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है। स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि स्टेशन के सभी ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। मॉनसून का महीना हर साल बिहार के एक बड़े हिस्से में आपदा बनकर आता है। नदियों में उफान आता है और नदियों का पानी अपनी हदें तोड़कर गांव और शहरों में घुस जाता है। 6 तस्वीरों में आप बिहार में बाढ़ से आई आपदा देख सकते हैं। साल दर साल एक ही कहानी। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी, बगहा से गिरीन्द्र पांडे और रक्सौल से गणेश शंकर के साथ आज तक ब्यूरो।